हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज क्लास रे हमें डिस्कशन करवा अपकमिंग बीएड एंट्रेंस में टीचिंग एप्टीट्यूड रो 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जोड़े कि आपंकर निहाती हबर एग्जाम पे हेल्पफुल रहबो। तो वीडियो को आप प्रथम लास्ट टाइम देखिए, वीडियो को लाइक करिवा सो संगनो सो वीडियो को शेयर करिवे। आउ जदे आप चैनल को फर्स्ट टाइम पे आछन चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को निहाती हबर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करिवे, जमिति कि प्रत्येक क्लास नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइबे। एवं आपण आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु, जार लिंक आपको मिल जाव डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। तो लिंक आप लिंक रे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे, आर पीडीएफ टा आप से टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जिवे। एवं आम चैनल बुक केमिस्ट्री रो बेस्ट बुक जो थी आप 700 प्लस आप एमसीक्यू पाइबे केमिस्ट्री रो, ठीक अच्छे। तो आप पाखापाखी 400 प्लस एमसीक्यू पाइबे हला, जो थी ऑप्शन आपंकर 300 प्लस आपड़ पाइबे वन लाइनर केमिस्ट्री जोटा कि बारंबार आप जो एग्जाम प्रिपेरेसन करूँ। तो आपंकर केमिस्ट्री पोर्सन रेको क्वेश्चन आप खोजे तो आपड़ पारे, ठीक अच्छे। तो आर एस टी हो तो आपंकर बीएड रे जितक आप केमिस्ट्री क्वेश्चन आसो आप चाहिए से बुक टी परचेज करेंगे। बहुत ही मिनिमल प्राइस अच्छी, जार प्राइस मात्र 89 रुपीज अच्छी, ठीक अच्छे। केमी आप पेमेंट करेंगे, केमी आप बुक परचेज करेंगे, तार डिटेल्स मुझे आपको कही सारी। तो वीडियो भी आपंकर सेपरेटली अच्छी, आपको टेलीग्राम चैनल में आपंकर फॉरवर्ड कर दे। तो आपको सिंपल टेलीग्राम आपको क्यूआर कोड आपको सेंड कर, तो आपको सिंपल से क्यूआर कोड रे 89 रुपीज पेमेंट करेंगे। पेमेंट कम्प्लीट कर सारापर आपण मते मेल करेंगे, ठीक अच्छे। मो मेल आईडी आपको समस्त मुझे प्रोवाइड कर, तो मेल करेंगे। तो मेल कलापर विदिन वन आवर मेल आपड़ कौन करेंगे ना, मेल आप स्क्रीनशॉटा ने जो पेमेंट कंप्लीट करछन्ती बिली, तो सेटा स्क्रीनशॉट ही नेबे, स्क्रीनशॉट ही मते सेंड करिवे। एवं आपणकर नेमटा मेंशन करिवे निहाती भाबरे, ठीक अछि। तो आपणकर नेमटा निहाती भाबरे मेंशन करिवे, तो मेंशन कला परे आपण मेल स्क्रीनशॉट सेंड करिवार विदिन वन आवर, ठीक अछि। विदिन वन आवर आपणकु मु बुक फॉरवर्ड कर देबी विथ सेपरेट पासवर्ड, आपणकु गोटे पासवर्ड मिलिबो, से पासवर्ड आपणकु से मेल सहित अटैचमेंट रे थिबो। तो आपण से पासवर्ड पुट करिवे एवं आपण बुक टी ओपन करके आराम से पढ़ी परिवे, ठीक अछि। तो वीडियो टी स्टार्ट करवा, स्टार्ट करने पूर्व आउ थे कही रखुच्छी, वीडियो को लाइक करेंगे, सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आज जदि चैनल को आप सब्सक्राइब कर ना, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर वन को पिला मैंने जावा, क्वेश्चन नंबर वन आपको देला मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज। तो जड़े टीचर कर मान गोटे इम्पोर्टेंट गोटे गुरुत्वपूर्ण कार्य कौन, सबुठ गुरुत्वपूर्ण कार्य हूँ टीचर कौन ना, तो ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, जो टीचिंग मानने आपंकर वर्क रहा तो केमी पढ़े कौन करेंगे, केमी लेसन प्लानिंग करेंगे, तो ताकू ऑर्गेनाइज करार टीचर मानक हूँ गोटे कौन मुख्य कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए टीचर सुड भी गोटे टीचर आपणकर, तो ये क्वेश्चन आउ गोटे टाइप पचारे बेस्ट रोल ऑफ टीचर, टीचर कर जो बेस्ट रोल है जन शिक्षक गोटे बेस्ट रोल कौन ना आज ए फैसिलिटेटर आप जानते समस्ते। तो ये पचारे टीचर सुड भी, टीचर सुड भी ऑनेस्ट डेलीजेंट ना ड्यूटीफुल ना पंचुअल, तो मन रखिए टीचर सुड भी ड्यूटीफुल, ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला एनवायरमेंटल एजुकेशन सुड बी टॉट इन स्कूल्स, बिकॉज स्कूल रे आपणकर एनवायरमेंट उपरे किछटा शिक्षादान करा जाय उचित, तो तार मुख्य कारण कौन, स्कूल पिला माने एनवायरमेंट विषय रे पढ़िवार मुख्य कारण कौन ना, मुख्य कारण होची इट इज इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। एनवायरमेंट कौन ना आम लाइफ रो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट है, तो आपणकर पिला माने जानिबा दरकार, ठीक अच्छे। तो सेतिपई एनवायरमेंटल स्टडीज बा एनवायरमेंटल एजुकेशन श्रेणी रे पढ़ा जाए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, तो आपको पचार तो नवोदय विद्यालय एस्टैब्लिशमेंट कहकर गोटे आप एम थिला, तो आप जानते समस्ते राजीव गांधी थिला, ठीक अच्छे। तो नवोदय स्कूल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, तो कौन पे नवोदय स्कूल आपंकर एस्टैब्लिश होती ना, टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूराल एरिया, मैंने ग्रामांचल मैंने आपणकर कौन ना मानने उन्नत मान शिक्षादान, ठीक अच्छे। ग्रामांचल पिला उन्नत मान शिक्षादान कर मुख्य उद्देश्य थिला नवोदय विद्यालय स्थापनर मुख्य उद्देश्य थिला, तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर, ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसतु, एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकज, तो प्राइमरी लेवल आम मदर टंग पढ़ेबा तो बेस्ट हम,
मदर टंग रे पढ़ेले समस्ते कौन ना भलसे बुझीपारे कारण समस्ते आम ओडिया पिला समस्ते आप कौन ना ओडिया पिला जो आप जो मदर टंग जार जोटा मदर टंग हो हला जेनराली मदर टंग रे समस्ते बेस्ट वे बुझीपारती तो ये पे प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच इन मदर टंग बिकज तो तार मुख्य कारण हूँ इट हेल्प चिल्ड्रेन इन लर्निंग इन नेचुरल आटमोस्फियर से कौन ना यहाँ हेल्प करता है चिल्ड्रेन मानक मैंने बेटर आपणकर से बेटर आउटकम आसो मैंने से मैंने बेटर मैंने बहुत भल से गेन करेंगे पाठटा जोटा मदर टंग में पढ़ेगा से मैंने अति शीघ्र बुझीपारे पाठटा को से ठीक भाव में गेन करेंगे है तो ऑप्शन नंबर डी हो इट हेल्प्स चिल्ड्रेन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है वोमेन वोमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल तो जनरली तो वोमेन मैंने प्राइमरी आपणकर लेवल पिला मैंने बेटर टीचर इन कंपैरिजन टू मेन मेन को कंपैरिजन में वोमेन मैंने कौन ना बेटर टीचर तो कारण कौन ना कारण हूँ दे बिहेव मोर पेसेंटली विथ चिल्ड्रेन तो चिल्ड्रेन मान सहित सी मोर आप पेसेंटली बिहेव करता मैंने बहुत आपणकर मदर लाइक बिहेवियर करता तो से पाने कथा को बहुत शीघ्र ग्रहण करती और भल से ग्रहण करती। ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसतु व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लैकबोर्ड ब्लाकबोर्ड में जिते आम लिखु था तो ह्वाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लाकबोर्ड जैसे टीचर जो ब्लाकबोर्ड में लिखुं तार मानक आप गोटे कौ क्यों जिनस प्रति से गुरुत्व देवा उचित ना गुरुत्व देवा उचित जे हैंडराइटिंगटा को कमी ठीक करेंगे सो दैट समस्त को ठीक भाव में भिजिबल हम समस्ते पढ़ी पारे। ठीक अच्छे गुड हैंडराइटिंग सम स्टूडेंट्स सेंड ए ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन टीचर्स डे टीचर्स डे किसी पिला आप कौन दे उपहार किसी दे ग्रीटिंग दे तो व्हाट विल यू डू तो आपण कौन करेंगे हला तो कौन करेंगे ना समस्त को कौन कहे ना से थैंक्स टू देम समस्त को कौन धन्यवाद देवे। ठीक अच्छे नेक्स्ट ए स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल जड़े स्टूडेंट आपण क्लास को डेरी रे आइला कि स्कूल को आप डेरी आइला तो आप कौन करेंगे तो मन रखु टीचिंग एप्टीट्यूड हूँ गोटे आपणकर चैप्टर जो थी कि आप नेगेटिव जो नेगेटिव स्टेटमेंट थी ना तो सब आवॉइड करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट जो थी जो ऑप्शन थी तो आवॉइड करेंगे दैट मीनस ओमिट करदे एलिमिनेट करदे टीचिंग एप्टीट्यूड केबे भी नेगेटिव सेंटेंस जोटा कि चिल्ड्रेन मानक क्षेत्र को कहूँ तो सेटा केबे भी आपन ग्रहणीय नहीं सब पॉजिटिव वे जी जदि पिलाटी लेट रे आउछि तो आम जो देखा दे थो आपको इनफर्म करवा तो प्यारेन्ट को आम माड़ दवा कि गाड़ी करवा तो युवा सब हूँ नेगेटिव केस तो नेगेटिव केस मैंने आपको आम टोटाली आप ऑप्शन एलिमिनेट करदे तो आम कौन करवा तार कौन मैंने से लेट्रे कौन आई तो बुझे आम चेस्टा करवा उचित तो करेक्ट आंसर हो ट्राए टू नो दि रिजन बिहाइंड इट। ठीक अच्छे व्वेन द स्टूडेंट्स कम बिकम फेल्ड इट क्यान बी अंडरस्टुड दैट जदि जड़े पिला कौन कला ना फेल है तेने आम कौन जापर जदि जो स्टूडेंट फेल है तो आम जापर कौन ना द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेल्युअर। ठीक अच्छे आम जब गोटे स्टूडेंट जदि गोटे क्लास रे समस्ते पास कले जड़े फेल है तो मैंने आम कहीपर तार किसी इंडिविजुअल फेल्युअर किसी रही सो दैट से फेल है तार करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। इट इज एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स इट इज एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स तो होमवर्क देवार आडभांटेज कौन रोचे ना होमवर्क देले कौन हम ना मे डेवलप हैबिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी जदि आम किसी होमवर्क दौचे पिला मैंने घरे प्रैक्टिस करेंगे तो घरे प्रैक्टिस कले से कौन हम ना मैंने सेल्फ स्टडीटा बढ़ो है कहना आप जानते सेल्फ स्टडी हूँ सब मैंने आपणकर भल। ठीक अच्छे निहाती भाव आप क्लासटा को देखुं आपत कौन करेंगे ना क्लास आपति आप मन रखिए आम जी क्वेश्चन आज डिस्कसन करवा जो 50 प्लस क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा 60 पाखापाखि आपड़ केमी मन रखिए ना आपत गोटे गोटे क्वेश्चन को देखिए वीडियो पॉज करेंगे क्वेश्चन आंसर को लिखिए क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन आंसर को लिखिए आपत जो रिभाइज करेंगे क्वेश्चन गुड़ी सीरीयली आप नोट थी रिभाइज करेंगे तो आपर पूरा मुखस्थ रही। ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर हो मे डेवलप हैबिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन कंप्यूटर द लेंथ ऑफ ए वर्ड इज मेजर्ड इन तो आप जानते गोटे कंप्यूटर में आम जो लेंथ को आप मापा तो बीट्रे मापा। ठीक अच्छे बीट। ठीक अच्छे नेक्स्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर तो आप जानते समस्ते कंप्यूटर फादर बोली चार्ल्स बाबेज को कहुए क्या कहुए चार्ल्स बाबेज को कहुए। ठीक अच्छे ए टीचर हाज सीरीयस डिफेक्ट इज
ही आर सी ए टीचर हाज सीरियस डिफेक्ट इज ही आर सी तो आपणकर कौन ना ही आर सी हाज इमाच्योर मेंटल डेवलपमेंट है कौन जदि मेंटल डेवलपमेंट इमाच्योर हो तो सी आपणकर कौन ना आपणकर गोटे सीरियस डिफेक्ट बोली आपणकर गणा जीवो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दे द सक्सेस ऑफ ए टीचर इज है तो आपणकर जड़े शिक्षक सक्सेस बोली आम क्या कहीपर ना तांकर टीचिंग क्वालिटी को आम कहीपर है हिज और हर गुड टीचिंग तो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट आप देला ए दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल दीपावली फेस्टिवल टा आपंकर स्कूल पालन होगा व्हाट वुड यू लाइक टू डू तो आप कौन करने को चाहिए ना आज ए स्टूडेंट आप निहाती भाव से फंक्शन में पार्टिसिपेट करने को निहाती भाव चाहिए टू टेक पार्ट इन फंक्शन से फंक्शन आपड़ निहाती भाव में पार्टिसिपेट करने को चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देला द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट तो आपणकर गोटे कौन दे द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट गोटे स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट हूँ कौन ना सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टू स्पीक ट्रुथ देखिए कोऑपरेशन ना देखिए ओबीडियंस तो मन रखिए ओबीडियंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देला द पर्पज ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज तो बेसिक एजुकेशन स्कीम रो पर्पज कौन ना आपण मन रखिए पर्पज ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम हूँ कौन ना टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन बेसिक एजुकेशन द्वारा कौन कर पारे ना जी गोटे मान गोटे पर्सन बेसिक नीड हो तो आम फुलफिल कर पारे बाय दिस बेसिक एजुकेशन स्कीम। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर रही ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला यू आर टीचिंग ए टॉपिक इन क्लास एंड ए स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन अन रिलेटेड टू द टॉपिक तो आप कहले जे आपण गोटे टीचिंग माने जेकोसी गोटे टॉपिक आपड़ पढ़ाते से टॉपिक रे गोटे पिला आपन को गोटे क्वेश्चन पचारा व्हाट विल यू डू आप कौन करेंगे तो आप कौन करेंगे तो आप कौन करेंगे ना यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास आपड़ निहाती भाव से क्वेश्चन को आंसर करेंगे आफ्टर द क्लास है। तो ये क्वेश्चन आसे जे आप सपोज से क्वेश्चन आंसर टाक जानि ना जड़े पचारे तो आप कौन करेंगे तो ये तो आपको विभिन्न प्रकार ऑप्शन दे थी के आप जो इग्नोर वार्डटा थी इग्नोर करेंगे तो सेटा को करेंगे नहीं। ठीक अच्छे से ऑप्शन करेंगे कहीं क्वेश्चन टा रिपीटेडली आसे तो मन रखिए सेठी आप कौन करेंगे ना से आपरिवे जे नेक्स्ट क्लास मुझे आंसर टी जानी तो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन आंसर टाक मुझक फाइंड कर कहबी ना आम सांग से क्वेश्चन आंसर टाक खोजा। ठीक अच्छे नेक्स्ट इफ यू आर अनेबल टू गेट ए जॉब ऑफ टीचर देन यू विल है तो आपन को कहले जदि आपन जेपर्यंत टीचिंग माने गोटे टीचर है ना गोटे जॉब पाई ना तो आपन कौन करेंगे ना आप जानते तो सब कौन करेंगे ना चेष्टा करेंगे तो कौन हो करेक्ट आंसर ना कंटिन्यू अप्लाई फॉर टीचिंग तो आप जानते टीचिंग वैकेंसी आप लगी तो आप निहाती भाव चेष्टा करेंगे ना तो अप्लाई करेंगे ए टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स बाय तो जन शिक्षक केमी जन स्टूडेंट को मोटिवेट करता है केमी मोटिवेट करता है बाय गिविंग सुइटेबल प्राइजेस है तो किसी प्राइज रखिकी है तो सी आपर मोटिवेशन दे था पीला इफ ए स्टूडेंट डजंट पे एनी रेस्पेक्ट टू यू देन यू विल तो आप इफ ए स्टूडेंट डजंट पे एनी रेस्पेक्ट टू यू तो आप देखो जन स्टूडेंट आप देखिले आपको कौन सी प्रकार रेस्पेक्ट दौना कि किसी आपन को गोटे मानने कथबार्त सहित तारतम्य रोना तो आप कौन करेंगे तो आप माड़ देवा गाड़ी करवा यहाँ तो आप नुह तो आप कौन करेंगे ना ताको इग्नोर करेंगे तो किसी भी आप न कही पारे। ठीक अच्छे चलो है कथार किसी भी आप प्रत्युत्तर नदे चलो तो ऑप्शन नंबर ए नेशनल लिटरेसी मिशन वाज एस्टाब्लिश इंपोर्टेंट तो आपणकर नेशनल लिटरेसी मिशन आपणकर 1988 मसीह नेशनल लिटरेसी मिशन आपणकर एस्टाब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन तो आप नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन दैट इज एनसीटीई रो मुख्य उद्देश्य हूँ कौन टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज एजुकेशन। ठीक अच्छे तो आप मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज एजुकेशन है नेक्स्ट आसतु नेक्स्ट कौन दे देखा टू मेन्टेन स्टैंडर्ड ओके। ठीक अच्छे नेक्स्ट को आसवा किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटर बाय तो यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन किंडरगार्टन सिस्टम को आपंकर किए देते ना फ्रोबेल देते किए देते फ्रोबेल
नेक्स्ट देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो आपंकर एनसीईआरटी ठीक अच्छे। एनसीईआरटी केते मसीहार आपंकर एस्टाब्लीश होता समस्ते जानते एनसीईआरटी आपंकर 1961 मसीहार आपंकर आसीला। एसए टाइप टेस्ट वाज नॉट रिलायबल बिकॉज, एसए टाइप टेस्ट वाज नॉट आर नॉट रिलायबल बिकॉज, तो एसए टाइप रो टेस्ट आप रिलायबल नुह कौन ना दे आर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय एग्जामिनर्स मूड है जो मैंने एसए को मैंने जो मैंने इवैल्यूएशन करता जनरली मूड को कौन अफेक्ट करता है एसए है। गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल यू विल, तो आपणकर ए गार्डियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल यू विल, तो यू विल गो टू मीट हिम योरसेल्फ, तो जदि बा जड़े गार्डियन आपंकर आपण को देखा करिया को केबे भी आसी नहांदी, तो आपंकर माने कोनोसी कार्य पई स्टूडेंट रिलेटेड आपण चाहिले ताकु मीटअप करि परिबे, तो ऑप्शन सी हबो करेक्ट। टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स इन क्लास टीचर शुड, तो आपंकर क्लास रे इंटरेस्ट आनिया पई गोटे स्टूडेंट रो हला क्लास रे इंटरेस्ट आनिया पई, तो कोन करिया उचित यूज ब्लैकबोर्ड डिस्कस टेल स्टोरीज, तो आस्क क्वेश्चन, तो किसी क्वेश्चन आर डिस्कसन करा उचित क्वेश्चन आर डिस्कसन ऑप्शन नंबर डी। द पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आपण न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 2020 रे आसला, तो तार मेन पर्पज कौन रहा है, तो आपणकर मेन पर्पज था टू इम्प्रूव दि होल एजुकेशन सिस्टम, होल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, तो आप कमेंट कर 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी आसला तो तार आपणकर सिस्टमटा कौड़िया था, तो आपंकर क्यों टाइप जमी आप 10+2+3 आपठार कमीशन, तो आप टाइप कहते 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो सी क्यों सिस्टम टी आनता। नेक्स्ट देखु टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज नेसेसरी, तो एजुकेशन स्टैंडर्ड को रेज करने तो तार मुख्य गोटे कौन मुख्य मानने आपंकर नेसेसरी कौन रोचे गोटे नेसेसरी पदक्षेप कौन रोचे हला, तो मुख्य पदक्षेप गोटे रोच टू इवालुएट स्टूडेंट कंटिन्यूसली, पिला इवालुएट करार उचित है, तो केते दूर पिलाटी बुझुच्छे निरंतर भाव में कौन देखा उचित ठीक अच्छे। ह्वाट इज मोस्ट इम्पोर्टाट फर ए टीचर, जो टीचर पर गोटे मुख्य इम्पोर्टां जिनस कौन ना इम्पोर्टां हूँ टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, तो पिला मन रखा कौन ना डाउट को दूर करवा है डिफिकल्टी जो रिलेटेड रोचे आपमी सल्व करवा सेटा हूँ गोटे इम्पोर्टाट है कौन मोस्ट इम्पोर्टाट फर ए टीचर गोटे टीचर परा हूँ गोटे इम्पोर्टाट जिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे व्हाई स्टूडेंट्स शुड प्ले गेम्स इन स्कूल, स्कूल पे खेलती कहीं ना खेल हूँ कौन ना आपणकर जानते खेल हूँ पार्ट ऑफ स्टडी, तो आप कौन ना इट डेवलप्स कोऑपरेशनल एंड फिजिकल बैलेंस, तो खेल कौन करे ना आपंकर कोऑपरेशनल एवं फिजिकल बैलेंस गोटे स्टूडेंटर वृद्धि करता है। फैमिली इज ए मीन्स ऑफ, तो आपंकर फैमिली गोटे फॉर्मल जब फॉर्मल एजुकेशन पचारे आप जानते स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी गुड़ा हूँ फॉर्मल एजेंसी, तो ये आपको इनफॉर्मल इनफॉर्मल आपंकर कौन ना आर किसी आपंकर कौन अच्छी ना किसी भी आपंकर गोल ना ठीक अच्छे, तो ये हूँ इनफॉर्मल एजुकेशन। देयर इज ए टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर ए टीचर देयर व्हाट विल यू डू, तो आपंकर कही गोटे आपंकर विलेजर गोटे गाँव में आपंकर शिक्षक अच्छा, तो से मैंने से जो गाँव रोक मितर कि टेनसन अच्छे, तो आप टीचर हिसाब से कौन करें तो कौन करें ना यू विल ट्राए टू पेसीफाई देम, तो आप चाहिए सल्व करने ठीक अच्छे, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज एमंग स्टूडेंट्स बाय, तो गोटे टीचर केमी सोशल वैल्यू को डेवलप कर पार, तो केमी ना बाय बिहेविंग आइडियली, सो आइडियल बिहेविंग माने बिहेवियर को बहुत ही आइडियल करके, तो सी आपणकर कौन करेंगे ना सोशल वैल्यू डेवलप कर पार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू इन लीजर टाइम इन स्कूल, तो स्कूल लीजर टाइम आप कौन करा उचित, तो स्कूल लीजर टाइम आप एज ए स्टूडेंट आप चेक सॉरी एज ए टीचर आप कौन करा उचित ना पिला होमवर्क को चेक करा उचित, समस्त होमवर्क कर ना चेक करा उचित। ए टीचर आस्क द क्वेश्चन टू सॉरी ए टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास टू, तो शिक्षक श्रेणी में क्वेश्चन पचारती, तो तार मुख्य कारण कौन ना क्वेश्चन पचार मुख्य कारण हूँ टू आट्राक्ट आटेनसन स्टूडेंट अफ स्टूडेंट आटेनसन, पिला कौन ना आटेनसन को बढ़ावाई शिक्षक श्रेणी में क्वेश्चन पचारि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकज तो आप जड़े टीचिंग प्रोफेशन को मैंने आपणकर भल पाए कहीं सीए आपणकर मैंने से शिक्षक टीचिंग रे इंटरेस्ट अच्छी तो से शिक्षकता कर ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी तो यू आर इंटरेस्टेड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा हाउ द स्टूडेंट सुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ तो जड़े स्टूडेंट केमी मोटिवेट हो पार जो लाइफ से किसी सक्सेस पाइब केमी हो पार ना इंटेनसीव स्टडी है तो इंटेनसीव स्टडी कले तो सी आपर सक्सेस पाइपर इन कंटेक्स्ट ऑफ़ दि हैबिट ऑफ आपंकर एब्सेंटिज्म ऑफ स्टूडेंट तो आपंकर हैबिट हाँ द टीचर शुड टेक इट एज सीरियस प्रॉब्लम माने आबसेंट को दूर करने जी अधिकांश स्टूडेंट क्लास आबसेंट रहउछन्ति तो शिक्षक गोटे सीरियस प्रॉब्लम बोली धरने वे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दला टू हूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम सॉरी ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी स्टोर्ड विथ हला टू हूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी स्टोर्ड विथ तार करेक्ट आंसर टी हेजिबा प्रिंसिपल कोन जो करेक्ट आंसर प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हेन द स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन सम डिफरेंट वे एज टॉट बाय द टीचर फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक्स देन दिस स्टूडेंट शुड बी तो आप व्हेन स्टूडेंट्स ट्राए टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन सम अदर वे एज टॉट बाय द टीचर फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक देन दिस स्टूडेंट्स शुड बी तो से स्टूडेंट मानक आम कह कौन एनकरेज टू कनसल्ट सम अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट तो जदि तो आपंकर स्टूडेंट को आगे जानवर मैंने अलग किसी प्रोसेस आप गोटे प्रोसेस मैथ कराइंट पिला किसी सर्ट ट्रिक पाइक आप मैथ करते मोटेट करा उचित तो आप टाइप आउ किसी अदर बुक को फलो करके देखिए जे केमी सल्व हो क्वेश्चन टा ठीक अच्छे। द एक्सपीरियंस टीचर डू नॉट रिक्वायर द डिटेल लेसन प्लान ऑफ ए टॉपिक बिकॉज़ जन एक्सपीरियंस टीचर किसी भी स्पेशल डिटेल लेसन प्लान आवश्यक करना था तो तार मुख्य कारण हूँ दे क्या आपंकर इक्विप देमसेल्फ विथ ब्रीफ आउटलाइन एज दे गेन स्पेशलाइजेशन इन इट थ्रू द एक्सपीरियंस कारण से मानकर एक्सपीरियंस आपंकर अधिक ठीक अच्छे। द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन व्हिच स्टूडेंट्स लीव देयर स्कूलिंग इन अर्ली इयर्स कैन बी टैकल्ड इन ए बेटर वे थ्रू द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट कौन प्रॉब्लम रहइबो ना एनकरेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देला देखंदो द आइडियल टीचर तो आइडियल टीचर कौन जने आइडियल टीचर जने स्टूडेंट रा फ्रेंड फिलोसोफर आ जने गाइड ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी निहत क्वेश्चन आछो इंपोर्टेंट। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी एजुकेशन रा मुख्य उद्देश्य होची कौन ना एजुकेशन रा मुख्य उद्देश्य होची टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिकुलर कौन सॉरी प्रैक्टिकल लाइफ तो लाइफ पे केमी लाइफ अचीवमेंट पाइबे तो कौन पिला प्रिपेयर करवा उचित। द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क स्टूडेंट को होमवर्क चेक कर मुख्य उपाय हूँ कौन ना टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन ए रेगुलर वे है तो आपंकर ऑप्शन नंबर डी। ए टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल सो दैट ए टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर ए स्टूडेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल सो दैट द रिमेडियल प्रोग्राम कैन बी अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट्स है तो ऑप्शन नंबर डी। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर द चिल्ड्रन रिमेंड आउट ऑफ स्कूल शुड बी द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर द चिल्ड्रन रिमेंड आउट ऑफ द स्कूल शुड बी वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज है ऑप्शन नंबर डी वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज। द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर्स इन प्राइमरी एजुकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर्स इन प्राइमरी एजुकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ है तो करेक्ट आंसर हो एजुकेशनल सेस कौन कह जाए एजुकेशनल सेस बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देला द प्रायोरिटी ऑफ गर्ल्स सॉरी द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज तो झियो पिला माननकु मध्य कौन ना शिक्षा क्षेत्र में आगे आने उचित तो तार मुख्य कारण हूँ कौन ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज तो ऑप्शन नंबर डी। द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड्स ऑन सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक तो ऑप्शन नंबर बी है जीवा करेक्ट। द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ स्कूल्स एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन
तो ऑप्शन नंबर डी द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय बेसिक एजुकेशन आइडिया प्रोपाउंड करते किए ना बेसिक एजुकेशन आइडिया प्रोपाउंड करते बाय महात्मा गांधी किए करते महात्मा गांधी तो ऑप्शन नंबर सी है द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल इज मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ स्कूल सॉरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल तो क्वेश्चन देला मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ए स्कूल गोटे स्कूल क्यों टाइप एजुकेशन दिया क्यों टाइप शिक्षा दौर तो ताको आम केमी इंडिकेट करपर ना बाय स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल आम जापर स्टूडेंट मान सक्सेस बल आम जापर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द बेस्ट रिमेडी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विथ लर्निंग इज द बेस्ट रिमेडी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विथ लर्निंग इज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग तो करेक्ट आंसर है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड फॉर सॉरी मेड मोर इफेक्टिव बाय द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिवली बाय कौन प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलोअप प्रोसीडियर तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जोटा कि आसाला 1986 रे तो तार मुख्य कारण हो कौन ना प्रोहिबिट्स ऑल टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर एज ऑफ द चाइल्ड तो आपन टिके कमेंट कर कहिबे जे केउ हम कॉन्स्टिट्यूशन केउ आर्टिकल अनुजाई 6 माने सॉरी हां 6 रु 14 वर्ष पिला मानकु मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा दिया जीव तो क्यों आर्टिकल लिखा है सेटा एवं आपन कमेंट कर कहिबे क्यों आर्टिकल आपनकर कहितला जे 14 वर्ष बिलो 14 एज आमे कोनोसी चाइल्ड लेबर को हला माने आपनकर आज ए लेबर आमे यूज कर पिरे नाही हला तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर केते तम आर्टिकल आपनकर कुआ जाईची तो सही आर्टिकल एवं जोटा आपनकर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल ये दुटा आप निहाती भाव में कमेंट कर कहे तो यहाँ आम लास्ट क्वेश्चन था तो ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कसन कले कि इंपोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड्र क्वेश्चन तो आशा करती आपको भिडियो भल लगे जब भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करेंगे सांग सहित भिडियो को शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल कैंडली सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू।